तो कई कई लैपटॉप में अगर डेल का जो सपोर्ट असिस्ट होता है ये ऑटो ऑन हो रहा है या पूरा सिस्टम चेकिंग प्रोसेस में चला जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है और इसको कैसे रिपेयर करें, कैसे इसको सॉल्व करें, तो आपके लिए ये वीडियो। तो अभी जो आप बताऊँगा आप लोगों को प्रॉब्लम कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम को फिर दिखाता हूँ और सॉल्यूशन भी इसको कराता हूँ, ठीक है। तो ये लैपटॉप पूरा ऑन हो गया, फिर भी एक बार रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये सपोर्ट असिस्ट में जा रहा है। तो अभी जो करूँगा इसको हम रिस्टार्ट करेंगे कीबोर्ड के थ्रू। तो मैंने इसके रिस्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने फिर से रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, गौर से देखिएगा। तो देखो अभी जो प्रॉब्लम है, डेल लिखा आ रहा है, अभी ऑन होने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी ऑन होगा विंडोज़ पे ऑन हो जाता है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। डायरेक्ट गूगल डेल का जो असिस्ट पॉइंट है वहाँ पे ऑटो चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे देखो अभी कुछ बायस में चला जा रहा है कभी। और भी एक बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार रिस्टार्ट किया और रिस्टार्ट करने के बाद देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखो सपोर्ट असिस्टेंट पे चला जा रहा है ऑटो, कोई भी विंडोज़ ऑन नहीं हो रहा है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है सपोर्ट असिस्टेंट रनिंग सिस्टम्स स्कैन टू डिटेक्टेड एनी पेटर हार्डवेयर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दिखा रहा है, कुछ स्कैनिंग पे आ रहा है, इस टाइप का आए तो क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस टाइप का आए तो आपको लैपटॉप को पहले रिसेट करना है और बूट मेन्यू में जाना है F12 में, ठीक है। तो अभी करूँगा इसको रीस्टार्ट। तो अभी देखो असिस्टेंट ऑन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब ये डीसी से ऑन हो रहा है इसी वजह से। तो अभी मैंने ऑन किया, ये है इसका दिक्कत क्योंकि सपोर्ट असिस्टेंट ऑटो ऑन हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इस टाइप का आ रहा है तो आपको जो करना है यहाँ पे पहले लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। गौर से देखिएगा, आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पे देखो स्किप लिखा है, रिस्टार्ट किया और रिस्टार्ट करें F12। गौर से देखिएगा, आपको F12 बूट मेनू में जाना है, ठीक है। गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे डेल ऑन हो रहा है, ओके। तो अभी यहाँ पे बूट मेनू जो F12 में होता है, मैं यहाँ पे बूट मेनू प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये पे आया क्योंकि ये बूट मेनू है, यहाँ से बूट करेंगे। और अभी जो करूँगा यहाँ पे चेंज बूट मोड सेटिंग, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैक्सी जो बूट है मोड, ये सिक्योर बूट ऑफ है। तो अभी जो करूँगा इसको ऑन कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे यस करेंगे और अप्लाई टू चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखो पूरा विंडोज़ ऑन हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो था यहाँ पे लैक्सी जो बूट मेनू है वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम में क्या बंद हो जाता है और इसी वजह से प्रॉपर विंडोज़ वर्क नहीं करता है। तो आपको जो करना है, आपको वो लैक्सी ऑन कर लेना है, ठीक है। ये वाला बटन आपको प्रेस करना है F12 रिस्टार्ट करने के बाद, तो आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।